दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज़ चैनल। यहाँ पर हरदोई क्षेत्र में अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है अन्ना मवेशी जो है बहुत आतंक मचाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो है खेतों में तार लगे हैं, फिर भी लोगों की फसलें खा जाते हैं। लोग जो है बहुत ही परेशान हैं अन्ना मवेशियों से और जो है सांडों से। तो आए आए देखते हैं क्या बोलते हैं किसान। ये जो है आवारा सांड जो है, इनसे क्या परेशानी है? परेशानी जो फसलें चढ़ जाए परेशानी वो का है, मैं जब खाहक नहीं रही परेशानी यह है का कहते जैसे बवा गया डीपी यूरिया डाली। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? कह रही हो गौशाला खुला जाए, बंधवाया जाए, क्या करके व्यवस्था करेगा प्रशासन के है। तो आप जो है मतलब कहीं शिकायत किया या फिर? शिकायत का गवर्नमेंट नहीं जान रहे जो घूम रहे का कहते हैं शिकायत गवर्नमेंट जान नहीं। अब अभी कोई अधिकारी नए नियुक्त हुए, उन्होंने कहा था डीएम को सख्त आदेश दिए गए हैं, सब छुट्टा जानवर पकड़ाए जाएंगे। वही हमारा जानवरों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप दूध दोहते हैं तब तक वो आपकी प्यारी है, और उसके बाद में आप खुला छोड़ते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई चाहिए। आपने एक छोड़ा, तुमको देख करके इन्होंने दो छोड़ा। जब किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे छूटते रहेंगे, किसान रात भर परेशान रहेंगे। रात भाई बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और उसके बावजूद भी रात भर जागते तब भी फसल नहीं हो रही है। और उसकी कीमत क्या होती है लास्ट में कि जो वो पानी लगाते हैं, खाद डालते हैं, वो भी पैसा नहीं निकल रहा है किसानों का। तो हम ये चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ करके निरोध है माननीय हमारे मोदी जी से या माननीय हमारे योगी जी से, इनके ऊपर कोई ना कोई छोड़ने वाले को ऊपर कार्रवाई की जाए, कानून बनाया जाए, इन पे भी कोई कानून लागू किया जाए। जैसे कि अभी हुआ था जानवरों का बीमा हो रहा है जी। अभी हुआ था कि जानवरों का बीमा हो रहा है, और जब बीमा हुआ तब फिर टिक्का लगे वाले जानवर छुट्टा क्यों है? क्यों है? ठीक है, क्यों है? हम ये पूछ रहे हैं कि फिर जब बीमा हो गया उसके बाद जानवर छुट्टा क्यों है? अच्छा ये बताइए 2022 में आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखो मुख्यमंत्री हमारा अच्छा है, प्रधानमंत्री हमारा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा किसान परेशान है इस जानवरों से। इनकी हो सके तो कोई ना कोई इनके लिए उपाय देखे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर किसान पैदा नहीं करेंगे तो जो कोटा भी बट रहा है उस पर हम क्या लेंगे? नाज ही लेते हैं, और अगर नाज ही नहीं पैदा होगा तो हम क्या लेंगे? ठीक, तो शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है, जिनके जिनके भी टीका लगे जानवर मिल रहे हैं, और जानवर जब मिल रहे हैं तो आधार के संग लिंक है, टीका लिंक है, और जब टीका लिंक है तो क्या ये नहीं हो सकता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? यानी आपका कहने मतलब है बीजेपी सरकार ने ये कराया कि जानवरों को टैग लगवाएं कि जो छोड़े गए जानवर हैं उनके टैग लगा दिया गया है, उसके यहाँ के जो लोग हैं देखरेख वाले वो ये चाह रहे हैं? नहीं, ये चाह रहे हैं कि जिनके ऊपर टैग लगा हो आधार लिंक है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों छुट्टा है? अच्छा जिन लोगों ने छोड़ा है टैग लगवा के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और एक के ऊपर अगर एक के ऊपर कार्रवाई हो गई हाँ तो दूसरा अपने आप बांध लेगा। अच्छा अच्छा ठीक है जी। बाकी हमारी सरकार जो हम लोगों को लॉकडाउन में जी आई, किसी भी सरकार में क्या महीने मार दो बार राशन मिला? नहीं मिला, नहीं हमारी सरकार ने हमको दिया है। अच्छा भूखे मरनों से बचाया हाँ, लेकिन मेन चीज यही है कि कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जिन्होंने दूध पीकर छुट्टा रखा है। अब जब दूध देना भाई जब तक गाय भैंसों ने दूध दिया तब तक उनको रखा गया, उसके बाद क्यों छोड़ दिया गया? तो ये हम यही जानना चाहते हैं, ये कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, नहीं आप ये क्या कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी जानवर छोड़े हुए क्या बोल रहे थे? बीजेपी को छोड़ा छोड़ा ऐसे अपने हम लोग छोड़ा, बीजेपी ने, बीजेपी की गलती नहीं है, यानी जानवर अपने आप लोग छोड़ रहे हैं बाद में उसकी गलती है? बीजेपी की गलती, सरकार की गलती नहीं, गलती किसान की है सब। अच्छा किसान गलती, किसान छोड़ देता है बाद में कहता है कि हमारी फसल खराब हो, किसान की फसलों खराब हो रही, और किसान छोड़ ही रहा, और खा के जब मिल रहा तो कहूँ खाई तो है रहा।
चलिए उसकी कोई गलती है आगे, कोई घर तो है नहीं उसके पास। यानी किसान अगर चाहे तो अपने आप जानवरों को रख सकता है, बंधा रख सकता है, बांध सकता है। अगर किसान चाहे तो अपने जानवर जब दूध पीने के टाइम वो बांध रखता है तो क्या खाली टाइम नहीं बांध रख सकता? जब ना रहेगा। और क्या बीजेपी छोड़ने आई थी जानवर? बीजेपी नहीं, किसानों ने छोड़ा, किसानों ने छोड़ा, यहाँ तो गलती किसानों की है जी। तो उनके एक मिनट, शासन प्रशासन है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बीमा हुआ, जो टिक लगे तो क्या जानवर जब टिक लगे तो जानवर टिक के हिसाब से उनके कार्रवाई भी हो सकती है? जो टीका लगे रहे के पैसा आता रहा है, पैसा मिलेगा हर महीने में किसको? जो जिनके जानवर थे उनको पैसा मिलने बताया गया था? हाँ। किसने बताया थी बात? वो जो टीका लगा था खुद लोग बताओ, उन्होंने क्या कहा था? 1000 रुपया महीना मिलेगा कि जो जानवर टैग लग जाए उनको 900 रुपया महीने मिलेंगे। हाँ। वो नहीं मिले हैं? कहाँ मिले? किसको मिला? हमारे को भी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। भारत भर में नहीं, को पैसा को खा गए? पैसा लोग खा गए यहाँ से। जो रुपया देने बताया उन्होंने रुपया दिया नहीं और जानवर छोड़ के फिर छोड़ दिया इसे। बोलिए हम ये बताते हैं कि जो गौशाला बने थे तो